पंद्रह केस से आगाज सिपाही सुल्तान के शिकार से वजन की तैयारी करते पे होंगे इतना अलचन खातून आवे दिए तो तपार ना रले दिए क्या तुसा जानवर के शिकार करें वेंदे पो तो तपार आदे इतना जानवर के शिकार के अलावा कुछ है तो अलचन आदि ये मैं इन वास्ते आखिए जो सिपाही लंबे लंबे तीर चेंदे पे पंदे के शिकार किए छोटे तीर मुनासिब होंगे इतना सुल्तान आवेंदे तो अलचन खातून की गाल का जवाब दे दे देखने नाल लगते तू एक माहिर शिकारी है तो अलचन खातून आदि मैं आसमान से उड़ते पक्षी तो जमीन से दुख के जानवर के तीर अंदाजी सीखी है तो सुल्तान आदे बल तो अपने नाल जे माहिर शिकारी को देखा मैंने कि फखर वाली गाल है बल हुक्म ने दे अलचन खातू कि शिकारी घोड़ा तैयार करो बल अपने घोड़े को तुर पाते आदे उम्मीद है जो तू शिकार करें दे शिकार न थी सी तो अलचन खातू आदि फिक्र न करो सुल्तान मेरा तीर अपना निशाना सुनने दे बल वो सारे शिकार रवाना थे उच्चे चबूतरे से खड़ी तुरखान खातू ये देखते भड़क वेंदी है आदि ये औरत अपनी हथ को निकलती वेंदी है इतना आगू तो निकल गई है जो सुल्तान के नाल शिकार से वेंदी भी है देखो यदा बहु जल्द ही हिसाब देना पहुंचे अलचन बे पास अमीर उल तमर शर्मदार खड़ा होंगे जो उठा वजीर आजम आ वेंदे तो अमीर उल तमर आदे खैर ता है कि खुशी है तुरा दीदार नसीब थे तो वजीर आजम आंदे उसा इंसान की अकल को खा वेंदे तू भरे शहर एक बंदे की गर्दन क्यों लहा दी आमिर उल तमर आदे कोई आम बंदा कहना हा बात नहीं फिरकेदार गंदा इंसान हा वो मेरी बेअदबी की थी जै शायद वो हकदार हा वो मेरे लिए तो वजीर आजम कावड़ आदे क्या तू सल्तनत या सुल को नहीं जानता तू हर एक की गर्दन नहीं लहा सकता आमिर उल तमर आदे सल्तनत बाथमी लोगों को बेशहरे रहने की इजाजत दी है पर मनुस मेरी सल्तनत आ गए तो वजीर आजम आदे ये हद कनो भी ज्यादा हसास मामला है तू सल्तनत का पाबंदी तू जो ने कैद की थे उन्होंने मेरे हवाले कर तामिर कमर आदे उन्हें मेरी तोहीन की थी कि तुसा जान लो सल्तनत संजो सल्तनत शिलमदार के अंदरूनी मामले दखल नहीं देंदी पर वजीर आजम आदे ये अंदरूनी मामला कह नहीं बल्कि संजोग न जुड़िया होया है लिहाजा वह कह दी मेरे हवाले कर जो तू उन्हों का फैसला खुद करने की कोशिश की थी तो मेरे उसे वाजिब है कि मैं तेरा सिर तान तू जुदा कर देना लिहाजा मसला खत्म करने की थे वह कह दी मेरे हवाले कर अमीर उल्तमर वजीर आजम की कहीं धमकी को नहीं डरता ताहदे क्या ये बहु अहम है कि वजीर आजम को खुद इतना आना पै गए एरू कह दी सल्तनत शर्जमार दे अमन को तबाह नहीं कर सकते आखिर एरा इसरार क्यों वजीर आजम आहदे जरा गाल मेरी सल्तनत अमन की हो हाज निज़ाम कितने भी मान सकते तो अमीर उल्तमर आहदे भी मेरे हैं तो यह मसला काजी की अदालत भेज दिता गया जो लोग मेरी जमीन से फसाद करे सन मैं उन्होंने फैसला अपने कानून के मुताबिक करे सन तो वजीर आजम आहदे ये मसला पानी दे बहाव को बधा दे से तू सब को पहले तेरी सल्तनत खुद से ई सांगे काबड़ को पी वन अकल को काबू च रख तामीर और दमन राह दे मैं जो आखना हा वो आख दिखे आज साहब तो वजीर आजम आदे ठीक है तू अपने हिसाब में जो करना है कर संजोग सल्तनत वाले तेरे नाल क्या करे से अपना तरीके कार हो से ये आखते हो तुर पौधे एडो महल तुरखान खातू जहर की शीशी चई खड़ी होंगी है पल तू वेले को याद कर दिए जितना है गार चो तभी वक्त जहर के दहा ते आखे हा जो ई शीशी का जहर दीवे के तीन पा देवी जना ती दीवा बलदा रह वैसे उत मौत के नेड़े थी ना वैसे तू उदा दिमाग काम करा छोड़ दे से बल ख्याल तुड़ते तुरखान खातू आ दिए इनके अलावा मैंने या कोई चारा कह नहीं पलो नौकरानी को आ दिए अलचन खातून की नौकरानी को यह समझे वो नौकरानी वेलीए भी तुरखान खातू आ दिए उनको घेन वन ता जो मैं उनके कमरे में पढ़ सदा फिर वो कहने कबीले में छोटे छोटे बाल तलवारबाजी करेंगे पे होंगे इतना प्योर गोश अपने साथी नाल ते रवान नाल उतना आ वेंदे और बाले को अलवेंदे आधे तुरी लड़ाई तो हमें को हैरान कर दी थे आखिर तो उसका लड़ते हुए कहीं की नकल करें दो तब बाल आधे इतना सब कुछ चंगा बिढ़ाका संज्ञा रहे उनकी नकल मैं भी करेंगा तलवार चलाने ऊझा कोई मार कह नहीं पल वो बाल संजार के घोड़े को इशारा करें आधे उनका घोड़ा सारे घोड़े को चंगा है प्योर गो संजार के घोड़े को डेक आधे तुर्क घोड़े तो उए भी सारी दुनिया में मशहूर हैं इन घोड़े को नाल को देखना चाहना तो कुरबान योर गोश को घोड़े दे नाल देना दे योर गोश आदे बाल ने इतनी तारीफ की थी लाजमी संजार कोई अहम बंदा हो तो कुरबान आदे वो एक मगरू शख्स है उनका ना आवन का पता है ना मजन का उनका काम सिर्फ कबीले के मसले खड़े करना है बल योर गोश आदे इनके सेम भी बहु मजबूत हैं ही सागे खतरनाक रस्ते से भी खूब दौड़ा उसे वो घोड़े की जंग चा दे दे वो निशान याद आ दे जो दे बिरा दे मरण दी छाते दिखे हैं वो निशान देख अपने सिपाही को लेते इन शर्मदार महल तुरना खातू प्यू के खास सिपाही को पूछ दिए क्या वो बेगैर बंदे का पता लग गए जै शहर मेरे प्यू से हाथ छाता
सिपाही आदि अंजन कोई पता नहीं लगा। सिपाही होंगे पिछु हुए उनको पकड़े बगैर वापस कहना वाल सी ना तो ना खाबू तुर पाँदी है। गुरु जंगाले संजार खूह के नेड़े खड़ा होंगे उनको शर्मजार दवा वेला याद आते जिता उनको भज दो तो ना खातू डेह की दहा आए हूँ वो छोरी को भी वजाहत नहीं हो सके। फिर सजो की महल से प्रधान खातून दिन अपराणी एलचल खातून दिन अपराणी को कमरे को गेंद निकल दिए दे कमरे से फिर प्रधान खातून कमरे से बढ़ दिए उतर पे विवेक जहार सा दे दिए याद दिए मैं सब हूँ जैसे असली से रूप लिखे सा इतना की नज़र वो खत पम दिए ज्वेलर खातू एलचल खातू अपने विराग को बचाने की नौकरी भी कनों लिखवाया है। प्रधान खातों पढ़ दिए तो एक वसीयत होंगी है जहाँ से लिखे होंगे मैं मरदी मर वाया ता भी मेरे विराग को बचाव की कोशिश न रुकें जो भी असारे रस्ते पर रुकावट बढ़ से वो असारा दुश्मन है। ये पढ़ तुरखान खा पुआ दिए कदार मैं जान दी हम तो जहरी नागे पर मैं तेको तेरी जहर दुआ थे मार देसा वल ओ वेन दिए इन कोयल के लिए कमान रहने रियाज खड़ा होंगे आधे तुसा मेरे खास थे अहम सिपाही सजो हूँ मेरे सिपाही बारा का जवाब देवान जरूरी थी गए तुसा संजोग सल्तनत रेच खेन वजो तो उन्होंने सिपाही पर मौत मानते चुट पो इतना किले का दरवाजा खुल दे असन सभा अपने करीबी साथी सादिक ते संजोग की सिपाही अंदर आंदे घोड़े को लाए थे आधे सुल्तान मलिक शाह का सलाम चाहते आया तो वो आधे मई किले का कमांडर इंद्रयास हाँ क्या सुल्तान मलिक शाह को असा भी याद आ गई असन सभा आधे सुल्तान मलिक शाह अपने हमसाएं वो किलो नहीं बोलता तो इंद्रयास आधे जिलो अंदर एडो जंगल एलसन खातून अपने घोड़े से शिकार की गोल होंगी है इतना को छाने लुड़न की आवाज़ आती है वो तीर सीधा कर दिंदी है पर उतना शिकार नहीं होता तो शिकार को फसावन की कोशिश जतन करें दी है पर एक पास हरान तीर लगन आठा दे एलसन खातून हैरान थी दे दिए तो एक पासों सुल्तान घोड़े ते आंदे ये हरान सुल्तान के तीर का शिकार थे पर सुल्तान एलसन खातून के नेड़े आंदे या दे महारत शिकार के पिछु बाद शिकार करना नहीं बल्कि शिकार को अपने जाल फसाव महारत है वालों मुश्किल याद है इतना बहु कौन ख्वा जानवर हैं इतना पहले जो इंसान की रूह सही थे वो इतना आवे आप को खेमे वापस मिलना चाहिए शिकार सिपाही चार से ये आखते सिपाही लाल रवाना थी मेरे इन तुरखान खातों अपनी खास नौकरानी कमरे से खड़ी होती है मोदी नौकरानी दी दीद जहर वाली शीशी से पमती है तो वो आ दिए क्या तू एलचन खातून की गरीबे में जहर पाती है कतर खान खातों आती है हूँ इन कोई लोड़ नहीं देखो एक इो जी शय मिली है जो हूँ एलचन की महल ज़्यादा देर न रुक से बालो वसीयत नमा नौकरानी को लिखेंदी है इतने लगी होती मोहर होती मौत के परमाने से मोहर साबित थी से इतना मल का आलिया मिली है आ दिए मैं सुनिए जो तू शिकार करना चाहनी कतर खान खातों आती है जंगल के पहाड़ों की खुली हवा मेरी सेहत के बाल की सेहत की चंगी है इन वास्ते मैं वहीं का फैसला की कमर का आलिया आदि है ये सब कुछ चंगा तो यह है कि तू महल रहे अपनी ते होने वाले बाल की सेहत की एहतियात जरूरी है सबको पहले भी थे एक पुत्र के जाया थी मन बहु लोग थे लिहाजा वन भी कोई लोग बल्कि आलिया की गाल सुन कर खान का तू बहु कावड़ा नहीं पूरे जंगल संजार अपने यारे नाल खड़ा होंगे उनके दोस्त बोस को सेहत से नज़र पाती है उनका दिल दिल चा लेंगे वो आते यार मेरे तो बहुत भुख लगी है लेकिन पहले जो सेहत का शिकार करने का संजार आते खाने पीने का वेला नहीं जो असा भा बाली तो असाने इतना मौजूदगी को पता लग रहा है इतना वजीर आजम आ लेंगे वो घोड़े को लहाँदे तो संजार तू करो असान ताश्ते रुस्तम बारे पूछते तो वजीर आजम आते अमीर उलमर बहु सिद्धी है ये मामला काजी रूम कहते गए तो संजार आदे हाजी ए बातमी फिरके में शामिल थी वा आखिरी मौका है उन्हें मेरे को सवेर तीन का वेला दिते तो वजीर आजम आते जेरा अमीर उलमर महल मनना खुद को खतरे पाने वाली गाल है वो पहरा भी बता दिते संजार आदे बया कोई दग कहीं अमीर उलमर असलान ताश को मार सकते हैं बचावना जरूरी है अन्ना तो लेकिन जंग को रुकवाण कि मेरा बातमी फिरके मनना लाजमी है तो वजीर आजम आते ठीक है संजार पर अमीर उलमर के महल तू कल आवे सी आई दो दो तो बाकी संगती बाहर हिफाजती बंदोबस्त करे सन तो जो जरूरी थे मैं भी करे सन मेरे पास कोयल किले में हसन सभा कमांडर अंदर आसन बैठा होंगे हसन सभा आते असर सुल्तान बाजंती नाल थी वाले तजारती माहे वालों बहु खुश तो अपने खिते में बाजंती की तजारत से तजारत की हिफाजत किए खास बंदोबस्त की खड़े तो इंद्रयास आदे असा सुल्तान के शुक्र गुजारूँ ये माहे इन चंगे चलते रह गए तो शहनशाह को नाल मिलावन की लड़ ना पहुंचे तो हसन सभा आते तो अरे शहनशाह रवानों से साढ़े वे सुल्तान अकबर सान वायदा कर तोड़ दिता हा उनके बाद सुल्तान जो नाशर किया सारा जहान जान दे सुन तो इंद्रयास को बहु कवड़ा दिए
कि वो आदे जुते की कालमुख भी हो मेरा सिपाही तक बाहर छोड़ आवे असल सभा वन लगते बाफी सरबरा की गाल याद आती है जो इंद्रयास को सजो के खिलाफ इतना भड़का सकें भड़कानी तुम असल इस काम उ करें ये सोच जो वापस आते आदे भेर भेले का इंतखाब सोच समझते करें असन जो आदू वो हमेशा याद रखूँ ये असल सभा वेंदे पाया तो सर भी कमांडर इंद्रयास को पुछते असल सभा की गाल का क्या मकसद है तो इंद्रयास आदे ये सभी भी सिपाही हमला कबूल भी वेंदे अस कुछ किया तो ये खिते में मौजूद बाजीमे को कनो कोई हिसाब गिनसे तो सर भी कमांडर आदे अस कर सीधा तो इंद्रयास आदे असा यूरोपोस जातों कुछ कर बैसू असो बाजी तालुकात ठीक रखने पोसन क्योंकि दुश्मन त दुश्मन दोस्त होंगे इन हसन सभा अपने साथी मकाम से पुजते जितना सुल्तान बाजन तीन सिपाही को मारा हा उतना लड़ाई के कुछ सबूत देख हसन सभा घोड़ा रोकने दे आदि असा इतना कुछ देर आराम कर सू इस सिपाही रोक वन हसन सभा सादिक अगू से बद वे हसन सभा आदि इतना लड़ाई के सबूत देख लगते इतना जंग थी है जरूरी कहने जो सिर्फ पांच बंदे होवन थी सकते सुल्तान को पिछों मदद आई हो मेरे को लगते मददगार दस्ता किले के नाल कितें लुकल है जो असा उन्होंने पकड़ गिनू तो लाजमी उन्होंने सारे मनसूबे से पानी दे सकूँ खूह के नाल लाए उस सामने मटी के चीले को देते आदे ये चीला से ये खूह दगाल का सबूत है कि मददगार दस्ता इतें ही कितें नाल है वो सीनी रस्सी को बक्का दे दे इतना सुल्तान के खुशिया दस्ते का कमांडर यादवान बकरवाल दे वे सी थान आदे आदे खूह को ज्यादा नेड़े को ना ले जाए पोस हसन सभा सीने हाथ रख सलाम करते हसन सभा आदे नींगर देखने जंगल से डाल नहीं लगता तो वाधवान आदे जंगल असं बकर वाले ये सब को महफूज जाए ब्यासा को कोई क्या आख सकते बल बाधवान आदे थोड़े कपड़े देख तो लगते तुम सल्तनत के बंदे हो तो हसन सभा आदे असा कोई किले की महम से आया से सोचे से कोई देर आराम कर गिनो तो वाधवान आदे ठीक है जनाब मेरे को इजाजत दियो वो वेंदे पे हसन सभा टीले को देखते आदे ये टीला एक खूह सुल्तान है इतना एक गेस्ट मुख्य वीडियो को लाइक से शेयर जरूर करे सो असर ये चैनल की बात हो अल्लाह हाफिज़।